हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने टेक्नो स्पार्क 8 प्रो फोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं टेक्नो फोन में, और रिफ्रेश रेट को आप कैसे बदल सकते हैं टेक्नो स्पार्क 8 प्रो फोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कैसे कर सकते हैं और शो कैसे कर सकते हैं डिस्प्ले पे, तो आप देख सकते हैं कि आपको सर्च करना रिफ्रेश रेट, तो रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आ जाएगी आपके सर्चिंग सेटिंग में। सिंपली आपको इस पे टैप करना है। टैप करते ही आप जैसे रिफ्रेश रेट को यहाँ से शो कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को देख सकते हैं आप। जिसते हैं कि रिफ्रेश रेट को ऑन करते हैं तो रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले के कॉर्नर पे शो हो जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। सिंपली ऑफ कर देंगे तो रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले पे शो नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप रिफ्रेश रेट को शो कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं, और रिफ्रेश रेट को चेंज करना चाहें तो चेंज भी आप कर सकते हैं। और आपके डिस्प्ले पे रिफ्रेश रेट सेटिंग्स है शो हो रही है, तो आप डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर रिफ्रेश रेट को आप चेंजेस कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं। क्योंकि आपके डिस्प्ले पे सेटिंग शो होते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, और नहीं शो हो रहा है तो आपको रिफ्रेश रेट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं अपने टेक्नो फोन में। तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियोस लाइक दें।